नहीं रहा, मुझे स्लाइड की वजह से सुरागीलाल न्यूज चैनल में और आपके साथ मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और मैं हूं अंशिका फातिमा। और इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर के सुप्रसिद्ध द्रोणाचार्य के गोशाट द्रोणा सागर का ये टीला ये काशीपुर के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। वही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस टीले पर लगा ये ताला, काफी महीनों से ये ताला लगा हुआ। गेट है उस पर ताला लगा हुआ है। वहीं सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर ये जो कोविशाट टीला है, ये जो धरोहर है इतिहास की, उस पर इस तरह से ताला लगाना, लोगों को जाने से रोकना, आखिर उसकी क्या वजह है। वहीं समय समय पर ये जानकारी दी गई कि यहाँ पर तेंदुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर ताला लगाया गया है, लेकिन काफी समय से जो है यहाँ पर तेंदुए की कोई मूवमेंट जो है नहीं देखी गई है। तो आइए हम बात करेंगे इस द्रोणा सागर में जो लोग घूमने के लिए आते हैं। जी हाँ, द्रोणा सागर सिर्फ यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के लिए ही नहीं, बल्कि जो काशीपुर की लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आ रहे हैं। तो वो सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है इस पे ताला लगने का और क्यों अब तक ये ताला नहीं खुल पाया। तो हमारे साथ चंडुक जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये ताला लगा हुआ है अभी तक? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा मुद्दा जो जनहित का अगर मैं कहूँ सही मायने में जो वाकई आम समाज से जुड़ा हुआ मामला है, और ये गोशान टीले का, देखिए ये दरअसल काशीपुर का ये तीर्थ द्रोण तीर्थ के नाम से, इसे द्रोणाचार्य जो गुरु द्रोणाचार्य थे महाभारत काल के, ये उस दौरान का हमारा ये तीर्थ स्थल इसको माना जाता है। और मैं कहता हूँ इसका पुरातन पुराणों में भी इसका जो नाम है दर्ज है। और इस द्रोणा सागर में एक पूरा गोल राउंड है जिसमें मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को लोग आते हैं। पिछले 25 साल से लगभग मैं भी इसमें इवनिंग वॉक के रूप में लगातार आ रहा हूँ। और इसमें लगभग 750 मीटर यानी कि पौना किलोमीटर, लगभग इस पौना किलोमीटर लगभग एक ऐसा ये ट्रैक है और बीच में इसके ताल है जिसको द्रोणा सागर बोलते हैं। और मंदिरों का इसके चारों तरफ बहुत, माँ का मंदिर है और उधर परली और देवी माता का मंदिर है, और इधर जो है भगवान श्री राम का मंदिर है, इधर हनुमान जी का मंदिर है, और मतलब इस तरह के मंदिरों का भी एक तरह से मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के साथ साथ परिक्रमा हमारे मंदिरों का भी धार्मिक भाव से भी होती है। कहने का ये है कि उसमें तो एकमात्र मैं कहता हूँ उत्तराखंड ही ऐसा एक रमणीय स्थल के साथ साथ एक इवनिंग या मॉर्निंग वॉक के लिए जो ट्रैक है इतना सुरक्षित ट्रैक है, क्योंकि कोई भी इसमें प्रदूषण मुक्त कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसके चारों तरफ पेड़ पौधे और बीच में ताल और चारों सड़क का इससे काफी दूर होना, यानी कि उधर से 10-20 मीटर दूर सड़क है अभी मेन है जो बाजपुर रोड जाती है। अब इसमें एक गोभशान टीले को रास्ता जाता है, इसमें बहुत एक अच्छा प्राकृतिक इसमें अनुभव होता है। जो आदमी इवनिंग या मॉर्निंग वॉक को जाते थे पहले, हम लोग इसमें भी जाते थे, और ट्रैक जो है ये वो एक बहुत ही चारों तरफ उसके ग्रीनरी है, लेकिन ये पिछले दिनों तेंदुआ का यहाँ पर काशीपुर में कहीं आतंक आया था, तो ऐसा भी था कि यहाँ भी उसका आतंक, उसी के चलते इसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब काफी टाइम से कोई तेंदुए का मूवमेंट हमको नहीं लगता है, और ये वाकई एक निराशा का विषय है। हमारे काशीपुर के लोग जो यहाँ पर सायंकालीन या दिन में घूमने आते हैं, तो उनको ऐसा एक मन को लगता भाव कि यहाँ ताला लगा होने की वजह से वो लोग नहीं जाते। तो मेरा एक ऐसा मानना है, और मेरा आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं
सुना कि वही एक बात कि आर्कियोलॉजिकल साइट होने से ये जो टीला है उसका एक बहुत ही खास महत्व है। वही बात काशीपुर के लिए एक बहुत ही खास जगह है ये, तो इसी कारण काशीपुर का ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ पर ऊपर ताला लगा हुआ है टीले पर, जहाँ पर कि बाहर से टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पर आए और देखे, तो काशीपुर के लिए भी एक बहुत विकास का कार्य जो है कहीं ना कहीं होगा। तो उसके बाद भी यहाँ ताला लगा हुआ है, वही हमारे साथ सर मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पर घूमने आते हैं, आपने ये ताला खुला हुआ देखा है जब आप इतने लंबे समय से यहाँ आते हो, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? धन्यवाद सर। पिछले लगभग 17-18 साल और घूमते भी थे पूरे शहर के लोग, और यहाँ तक रात 8-9 बजे तक हम लोग सब लोग घूमने रहते थे। अभी पिछले 2-3 साल पहले ऐसी कोई चर्चा हुई कि यहाँ पर तेंदुआ आ गया है, तो उसके तरह से ऐसा ही लगता है मुझे कि उन्होंने बंद कर दिया होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कभी यहाँ खुदान हुआ है, अभी यहाँ खुदान हुआ है, एक 4-5 महीने छोटे छोटे बच्चे महिलाएं पुरुष यहाँ लगे थे, बात होती तो ऊपर जो खुदान हुआ वो नहीं होता। इसलिए ये कुछ नहीं है, यहाँ कोई तेंदुआ नहीं है, ये मात्र काशीपुर के लोगों को जो घूमने के घूमना पसंद करते हैं इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक, उनके लिए एक बाधा उत्पन्न की गई है कि यहाँ कोई आए ना। और इतनी अच्छी जगह है पूरे काशीपुर, क्या ये पूरे क्षेत्र में पूरे जिले में जहाँ हम लोग सुनते हैं बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी कहीं सुविधा नहीं है जैसे कि काशीपुर के ये आर्कियोलॉजी है जो हमारा गौशाला टीला यहाँ है। तो मैं विभाग से जो इनका विभाग है या दूसरे लोग जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ताले को खुलवाया जाए, काशीपुर के छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग महिलाएं पुरुष सब यहाँ पर घूमें और घूमने का आनंद लें। तो यहाँ टीले को लेकर बंद करने को लेकर कहीं अलग अलग बातें भी सामने आ रही हैं, उसको लेकर सर क्या कहना है? जैसा कि आपको पता ही है हमारे शहर में एक आसपास ऐसा कहीं नहीं है, एक प्रकृति कह सकते हैं कि प्रकृति का एक बहुत अच्छा जो हमें नज़ारा मिला है द्रोणा सागर का, ये टीला जहाँ हम घूमते हैं। लेकिन ये कुछ गलत काम होते हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं नशे की, इसके अलावा अगर ये खुला रहता तो कम से कम हम सुबह शाम यहाँ पे योगा करते थे, तो उससे क्या है ये असामाजिक तत्व क्या कहते हैं प्रशासन से, और ये कि जो है इसे खुलाया जाए और कहीं ना कहीं इसमें सुबह शाम जो है पुलिस का या SDM इनके भी छापे पड़ते रहें, क्योंकि हमारा बड़ी मुश्किल से तो हमारे पास एक ऐसा काशीपुर में जिसे हम कह सकते हैं पर्यावरण हितैषी यहाँ सुबह शाम आते हैं योगा करते हैं, और हम लोग भी आते हैं काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, तो ज़्यादा ना कुछ कहते हैं यही कहना है कि इसे खोला जाए। बात करें भाटी जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बाटला जी हमारे साथ मौजूद है, माफी चाहूंगी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो शाम को लगभग, और मैं ये पिछले 2 साल से प्रशासन ने इसको प्रशासन कहूँ या वन विभाग जिसने भी इसको बंद किया, ये कहकर बंद कर दिया गया यहाँ पर तेंदुओं का आतंक है। लेकिन पिछले कुछ समय से तेंदुओं का कोई गतिविधियाँ यहाँ नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद भी इसको खोलने की तरफ से कोई भी प्रयास प्रशासन की देता है। तो इसलिए मैं प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी जल्दी उसको क्या आप यहाँ रोज आते हैं? हाँ रोज आते हैं। तो कब से वहाँ अभी यहाँ ताला देख रहे हैं? 2 साल हो यहाँ पे है या नहीं है, और नहीं है तो ये ताला खुलना चाहिए।
उसे पहाड़ ने इंजाम करना चाहिए, उसे पहाड़ है वन में छोड़े इसे इस तरह इतना लंबा टाइम हो गया बंद किए हुए। दूसरा हमारी कमी है काशी जनता ही कि हम बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन प्रशासन के पास नहीं जाते। मैं ये समझता हूँ काशी की जनता 150 आदमी इकट्ठे हो है अपनी चीज़ें बड़ा है प्रशासन के पास जाएं कि आपने बंद किया है क्यों किया है इस समय जवाब चाहिए, हमें लिखित में जवाब दीजिए कि आपने बंद क्यों किया है, क्या कारण है। जिन्हें जनता ने सवाल उनसे पूछ लिए मैं समझ रहा उसकी नींद ताला खुल गया है, क्योंकि यहाँ घूमने सब आते हैं आपस चर्चा करते हैं कि ताला खुलना चाहिए लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए वह हम नहीं कर पा रहे, इकट्ठे नहीं होते, एप्लीकेशन नहीं बनाते प्रशासन के पास, चाहे बने हुआ है या एसडीएम साहब हैं, हम उनके पास दो साल में आज तक एक बार भी नहीं गए, जबकि हमारी काशी की जनता फर्ज बनता है कि कोई परेशानी आए कोई मुसीबत आए हम सबको इकट्ठा होकर उसके लिए प्रशासन से मिलना चाहिए। प्रशासन नहीं मिले हैं, प्रशासन दबाव नहीं पड़े हैं प्रशासन के ऊपर, उनकी नॉलेज में नहीं आएगा तो कोई भी काम सॉल्व नहीं होता। तो मैं काशी की जनता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप कल या परसों जब भी समय हो हम इकट्ठे हों, एक एप्लीकेशन बनाएं प्रशासन के लिए एसडीएम से लेके सीएम तक, हम अपने सबको भेजें कि सर ताला बंद क्यों है हमें इसका जवाब चाहिए। तो मैं समझता हूँ हमारे ताला बहुत जल्दी खुल जाएगा। धन्यवाद जी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने कही कि प्रशासनिक तरीके से जो है अगर बात करी जाए एप्लीकेशन दी जाए तो बहुत जल्द हो सकता है इस ताले को खोल दिया जाए। वही हमारे साथ मैम जुड़ रहे हैं। मैम ये ताला लगा हुआ है यहाँ पर जो गोविशार टीला है जो काशीपुर की धरोहर है उसको वहां जाने से लोगों को रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये तो गलत बात है, यहाँ ताला खुलना चाहिए क्योंकि नीचे भीड़ भड़ाका बहुत होता है, परेशानी होती है, कुछ लोग नीचे कुछ लोग ऊपर टहले तो मतलब सही रहता है, अब ये ताला बंद है तो बहुत गलत बात है ये। हमें ये है कि ये ताला खुल जाए भाई, ये है। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन? प्रशासन से यही कहेंगे कि भाई ये ताला खुलना चाहिए क्योंकि भाई अब परेशानी हो, हर कोई को परेशानी है, नीचे ऊपर परेशानी होती है, ताला खोलो आधा घंटा एक घंटा के लिए खोलो, पर खोलो जरूर, बंद मत करो करो जी भाई। ये आपने लास्ट टाइम कब खुले हुए देखा था इस गेट? तो हो गया 5-7 2-3 साल हो गए इसे। दो तीन साल से बंद है ये जी। हाँ तो जैसे कि मैम ने कहा कि नीचे भीड़ बढ़ जाती है, लोगों को परेशानी होती है, वहीं इस गेट पे लगे हुए ताले की वजह से जितने जो हमारे आसपास की जनता है लोग हैं वो सब काफी रोष में हैं और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस ताले को खोला जाए। वहीं सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नमस्कार सर। हाँ ये संरक्षित स्थल है जो द्रोणा सागर के समीप है, हम आज तक ये समझ में नहीं आया कि दूर दूर से लोग घूमने के लिए औरंगाबाद इधर उधर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे भारत की ये चीज़ है, ये संस्कृति है, तमाम तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, पर हम अपने ही काशीपुर में कुछ एरिए में घूमते रहते हैं और इधर ऐसा ताला लगा दिया गया है, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखने के बाद जो है क्या कहते हैं डर बैठ जाएगा, कुछ बैठ जाएगा, मतलब हमें तो कभी कभी ये कहते हुए लगता है कि क्या कहते हैं हम काशीपुर के और अपनी जगह हम नहीं देख सकते, और हम देख देख के मैं बम्बई वगैरह हम घूमे आया दूर दूर तक और ऐसी ऐसी चीजें देखने की मिलती है, दिल्ली जाइए आप देखिए कुतुब मीनार देखिए, अगर आगरा जाइए ताजमहल देखिए, अच्छा लगता है अपनी चीजें देखने के लिए, थोड़ा हमें गर्व महसूस होता है कि हम कहाँ रह रहे हैं किस जगह रह रहे हैं, पर काशीपुर के नाम से कि हम जरा सी चीजें उसको बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों बंद कर रखा है, कुछ ऐसे बताइए ना लोगों को कि आखिर बंद क्यों है, हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। हम क्या कहते हैं यही गुजारिश कर सकते हैं कि जो हमारी जो काशीपुर क्षेत्र की चीज है उसको सभी जनता को देखने का मौका, देखने का घूमने का, पूरी जिंदगी आदमी पता नहीं कल को क्या हो जाता है, घूम के सब जो है अगर देख लिया तो ठीक है नहीं तो पता नहीं, खोल देनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि सभी लोगों ने कहा कि जो ये टीला है इसका गेट जो बंद है इसको जल्द खोला जाए, वहीं अपील भी की जा रही है कि इसको खोल दें और सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से इसको बंद किया गया है। जनता का सवाल, जी हाँ काशीपुर की जनता फिर वही सवाल कर रही है कि आखिर ये ताला जो यहाँ लगा हुआ है उसका क्या कारण है, आखिर कितने लंबे समय तक ये ताला लगा रहना है।
सकते हैं वो ऐतिहासिक जो धरोहर है गोमिशार टीला उसे खोला जाए ताकि बाहर के लोग जा पाए। आपका क्या कहना है इस ताले को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।